हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा तुरतने एंड मैथ सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन चैप्टर का लास्ट फंक्शन, विच इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ओके, तो फंक्शन क्या होता है, इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब आज हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसका नोटेशन, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट एक्स फॉर एवरी रियल नंबर x। कोई भी रियल नंबर का हम फ्रैक्शनल पार्ट निकाल सकते हैं और उसका नोटेशन होता है, वो नंबर कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे हम। तो ये रहा फ्रैक्शनल पार्ट का नोटेशन। ओके, एक्चुअली इसकी डेफिनेशन क्या है या कैसे डिफाइन करते हैं वो देखते हैं। वी ऑल नो दैट एनी नंबर, कोई भी नंबर होता है, सपोज x, तो ये नंबर हम कैसे लिखते हैं, x इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, मींस एनी नंबर कैन बी रिटन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। कोई भी नंबर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के सम में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर उसका एग्जांपल हम ले तो 6.7, दिस कैन बी रिटन एज, देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 6.7 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 6.7। ओके, तो 6.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ये ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियोस में देखा है। तो आप वहां जाके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्चुअली क्या है वो देख सकते हैं। इंटीजर आएगा 6 और यहाँ पे फ्रैक्शनल क्या आएगा, 0.7। तो देखो 6.7 हमने कैसे लिखा है, 6 प्लस 0.7। सो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी नंबर एक्स कैन बी रिटन एज हुज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ओके, यहां से हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कौन है, एक्स एज इट इज। ओके, ये टर्म यहाँ पे पॉजिटिव है, जब एलएचएस पे जाएगी तो क्या होगा, ये नंबर निगेटिव होगा। देखो, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला अब रेडी है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हमें 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना हो, 2.3 का, तो वो कैसे निकालेंगे, देखो, तो किसका निकालना है 2.3 का, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2.3, हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, माइनस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। ओके, तो दिस 2.3 एज इट इज, और 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगा बताओ, यस 2 आएगा, 2.3 माइनस 2 दैट इज 0.3। ये जो नंबर है 2.3, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, 0.3। ठीक है, अगर दूसरा कोई नंबर हम ले, फॉर एग्जाम्पल, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इसका क्या आता है, 5। अगर हम इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे, 5 इज अ प्योर इंटीजर, ये इंटीजर है, प्योर नंबर है, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट होगा नहीं, इसका मतलब यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0 होगा। ओके, उसके बाद -7.6, इसका हमें फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, तो जल्दी जल्दी में आप क्या करोगे, 0.6 ऐसा लिख दोगे, 7 प्योर नंबर है, 0.6, या कोई ऐसा लिख देगा -0.6, तो ये रॉन्ग है। तो कैसे निकालेंगे मैम, देखो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके, देखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 7.6 इज इक्वल टू x मीन्स दैट वैल्यू 7.6 माइनस उसका क्या लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, उसको माइनस साइन है, देखो माइनस, यहाँ पे माइनस, और इसका हमें लेना है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। ओके, विच इज इक्वल टू, देखो ये एज इट इज लिखती हूँ, -7.6, ये माइनस साइन एज इट इज, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ क्या होगा, यस, विच इज माइनस है, ये कैसे हो गया, देखो ये है -7, ये है -8। ओके, तो -7.6 मीन्स यही कहीं होगा, और उसके एग्जैक्टली लेफ्ट में देखो कौन सा इंटीजर है, -8, तो उसकी वैल्यू -8 आ गई, विच इज इक्वल टू -7.6, दिस नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, सो 8,
और 8 - 7.6 मीन्स हमें क्या मिला है 0.4। सो ये जो नंबर है -7.6 इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ गया है 0.4। आप अच्छी तरह से देखो, यहां हमने फ्रैक्शनल पार्ट निकाला है। अगर प्योर इंटीजर होता है तो फ्रैक्शनल पार्ट जीरो आएगा, ओके। उसके बाद -7.6 का निकाला तो वो आया 0.4, 2.3 का निकाला तो वो आया 0.3। यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हमें देखना है ये वैल्यू एक्चुअली क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, जीरो है। ये जो वैल्यू है ये क्या होता है एक्चुअली मैम, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है या जीरो होता है, ये हमें देखना है। देखो अगर हम 6.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालते हैं तो वो 6 आता है। फॉर एग्जाम्पल 5 का फाइंड आउट करते हैं तो वो 5 आता है, ठीक है। और एक नंबर ले लेती हूँ मैं, -2.3 लेती हूँ तो वो क्या आएगा, -3 आएगा। इसका मतलब एक तो फिक्स है, जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालते हो एक तो वो उससे लेस आएगा। देखो 6.7 का ग्रेटेस्ट वैल्यू 6 आया तो उससे लेस आया, या तो वो ओरिजिनल होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो x होता है हमारा ओरिजिनल, वो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू से बड़ा होता है या इक्वल टू होता है। आप अच्छी तरह से देखो, 6.7 ये नंबर बड़ा है, अगर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालेंगे 6 तो वो छोटा आया है ओरिजिनल वैल्यू से। और अगर नंबर प्योर हो, इंटीजर हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 5 ही आएगा। तो इससे तो हमें एक रिजल्ट यहां मिल रहा है, x इज ग्रेटर इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखो यहाँ पे x कैसा होता है, x इज ग्रेटर इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पुट करें, देखो x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर तो सेम वैल्यू आएगा, तो यहाँ क्या होगा 0। और अगर x ग्रेटर देन है इससे तो ये नंबर तो पॉजिटिव ही आएगा, तो हम लिख सकते हैं दिस टोटल नंबर इज ग्रेटर इक्वल 0। एक तो वो 0 आएगा या ग्रेटर इक्वल 0 आएगा। तो इसका मतलब हमें और एक रिजल्ट मिला है यहाँ पे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल 0। वो कैसा होता है, एक तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। लेकिन कहां तक जा सकता है फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू, कहां तक जा सकती है? तो देखो अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट निकालें 6.7 का तो वो क्या आएगा 0.7, ओके। फॉर एग्जाम्पल 10 का निकाला तो वो आएगा 0, क्योंकि 10 इज अ प्योर इंटीजर तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 आएगा। उसके बाद अगर हम निकाले 7.9999 तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा 0.9999। तो हम 1 के पास जा रहे हैं लेकिन एग्जैक्टली 1 है क्या, नहीं। तो इसका मतलब है फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 भी आ सकती है, 0 से बड़ी भी आ सकती है, पर वो वैल्यू 1 से कैसे होती है, लेस होती है। तो हमें नया रिजल्ट मिला है, एक 0 लेस इक्वल फ्रैक्शनल पार्ट x लेस देन 1। तो फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है किसी भी नंबर का तो वो 0 और 1 दोनों में लाइज होता है, और 0 हो सकता है लेकिन 1 नहीं हो सकता। तो अभी हम देखेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। तो हमारा डेफिनेशन क्या कहता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, x माइनस इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, ये हमारा डेफिनेशन है, ओके। और अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर अच्छे से पता है तो मैं क्या लिख रही हूं आपको पता चलेगा। देखो अगर x 1 to 2 इंटरवल में होता है, x बिलोंग्स टू क्लोज एट 1 ओपन एट 2, तो यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होती है x की, 1 होती है, ठीक है। अगर x जाता है क्लोज एट 2 एंड ओपन एट 3 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x क्या होती है, 2। यह ऑलरेडी हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में देखा है, ओके। अगर x जाता है क्लोज एट 3 ओपन एट 4 तो इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू x की क्या आएगी, 3 आएगी। हम अगर पीछे जाए, x बिलोंग्स टू क्लोज एट 0 ओपन एट 1, ओके, तो इसका मतलब है x की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। हम और भी पीछे जा सकते हैं, देखो x बिलोंग्स टू क्लोज एट -1 ओपन एट 0, तो एट दिस टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू x की क्या आएगी, -1 आएगी। क्या कर रहे हैं मैम आप, देखो
ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करने वाली हूँ। अगर ठीक है, इससे स्टार्ट करते अगर x 1 to 2 मेलाइज करता हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या आती है 1, तो ये x एज इट इज, ठीक है मैं सामने लिखती हूँ एग्जैक्टली, तो x एज इट इज माइनस इसका वैल्यू क्या आता है 1, तो यहाँ पे 1 लिख देती हूँ। अगर x 2 to 3 में है तो वैल्यू क्या है 2, तो x माइनस 2 आएगा। 3 to 4 में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 3 है, तो दिस x एज इट इज एंड माइनस क्या आएगा 3। ओके, उसके बाद देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 है तो x माइनस 0, या एग्जैक्टली हम x भी लिख सकते हैं। और अगर x लाइज बिटवीन -1 to 0 होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना है -1, तो ये देखो ये माइनस साइन और वो माइनस साइन, सो निगेटिव निगेटिव हमें क्या मिलेगा एक्स प्लस वन मिलेगा। एक्चुअली ये कौन है, हमारा y है, तो y की ये वैल्यूज आई है, तो हमें अब ग्राफ निकालना है। देखो आप अच्छी तरह से देखो, दिस इज आवर y एक्सिस, ठीक है, दिस इज आवर x एक्सिस, y एक्सिस, दिस इज आवर x एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, उस कोऑर्डिनेट्स आर 0 0 1 2 3 4, -1 -2। मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है एक्स का, तो वो लाइज कहाँ होता है 0 to 1 में, 0 आ सकता है 1 नहीं आ सकता, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1 ले लेती हूँ। ठीक है, देखो अगर एक्स 0 to 1 में लाइज होता है, देखो एक्स 0 to 1 में लाइज हो तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या आता है, देखो y इज इक्वल टू x आ रहा है, देखो इसके लिए ये फंक्शन है, y इज इक्वल टू क्या है x, और हमें पता है y इज इक्वल टू x इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है, तो हमारा ग्राफ ऐसा आएगा, देखो 0 to 1 में तो इतनी आएगी ये लाइन, ओके, और हमने क्या कहा है 0 इंक्लूडेड है, क्लोज एट 0, तो ये मैं डार्क पोर्शन से दिखाती हूँ, इंक्लूडेड 1 है क्या, नहीं, ओपन एट 1 है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं वैकन दिखाती हूँ, देखो ओके ठीक है। उसके बाद देखो अगर x हमारा 1 to 2 में है, 1 to 2 में, तो y इज इक्वल टू क्या है x माइनस 1, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, सिर्फ 1 यूनिट से शिफ्ट कर देंगे ग्राफ, तो देखो ये ऐसा आएगा 1 to 2 में, पर आप फिर से देखो 1 इंक्लूडेड है, क्लोज एट 1, तो ये डार्क आएगा, ओके और ये कैसा होगा वैकेंट, एक्सक्लूडेड, देखो ओपन एट 2 है। उसके बाद देखते हैं एक्स माइनस 2, ग्राफ सिमिलर आएगा देखो, ओके लेकिन ये कैसा आएगा इंक्लूडेड, और 3 से एक्सक्लूडेड होगा वो, सिमिलरली हम पीछे भी आ सकते हैं, तो कैसा होगा यहाँ पे एक्सक्लूडेड और यहाँ पे इंक्लूडेड, ओके उसके बाद -2 to -1 में, ये एक्सक्लूडेड यहाँ इंक्लूडेड, तो ये रहा हमारा फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ। आप ऐसे आगे भी जा सकते हो, इतना काफी है, ठीक है। अगर हम अच्छी तरह से देखें, देखो अगर हम ये पॉइंट्स ज्वाइन करें तो हमें क्या मिल रहा है बच्चों लोग, यस दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू y एक्सिस एंड पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये हुआ हमारा लाइन y इज इक्वल टू 1। लेकिन यहां याद रखना है कि ये जो लाइन है ये मैंने डॉटेड दिखाई है, इसका मतलब यहाँ पे 1 इंक्लूडेड नहीं है, दैट्स व्हाई हियर ऑल सर्कल्स आर वैकेंट, इसलिए सर्कल्स वैकेंट है, ओके तो ये रहा हमारा ग्राफ। तो क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द डोमेन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसका डोमेन क्या होता है, तो किसी भी रियल नंबर का हम फ्रैक्शनल पार्ट निकाल सकते हैं, दैट्स व्हाई डोमेन इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, और रेंज क्या आएगा, 0 इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड है क्या, नहीं, तो हम लिख सकते हैं क्लोज एट 0 ओपन एट 1। सो नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, क्या प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमने देखा है कि फ्रैक्शनल पार्ट, किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट अगर हम निकालें तो वो 0 to 1 में लाइज होता है, 0 इंक्लूडेड है बट 1 इज एक्सक्लूडेड, ओके, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इंटीजर एंड इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज नॉट इंटीजर। अगर x इंटीजर होता है तो इसकी वैल्यू 0 आती है, और अगर x इंटीजर नहीं है तो इसकी वैल्यू 1 आती है, देखते हैं कैसे। देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5
क्या आता है? जीरो. और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस फाइव भी क्या आता है? जीरो. सो जीरो प्लस जीरो, जीरो ही मिलेगा हमें. ओके. और अगर इंटीजर नहीं है वो नंबर, देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2, ठीक है, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 1.2, देखो ना वही नंबर है, एक बार पॉजिटिव है एक बार निगेटिव, देखो पॉजिटिव निगेटिव, तो इसका फ्रैक्शनल पॉइंट क्या आएगा? 0.2 आएगा. इसका जल्दी जल्दी में 0.2 मत लिखो, इसका क्या आएगा? 0.8 आएगा, विच इज इक्वल टू 1. ये कैसे आ गया मैम? देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2 इज इक्वल टू, हमारा रेगुलर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, 1.2 माइनस उससे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू माइनस करते हैं हम, तो ये 1.2 एज इट इज माइनस, यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है, तो इसका क्या आएगा? माइनस 2. सो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो हमें क्या मिला है? 0.8. देखो दोनों की एडिशन अगर हम करें तो हमें क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, ठीक है. देन प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर फ्रैक्शनल पार्ट का आप कितनी भी बार अगेन फ्रैक्शनल पार्ट लोगे तो फिर से आपको फ्रैक्शनल वही फ्रैक्शनल पार्ट मिलेगा. देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4.7 का अगर हम निकालें तो इसका क्या आएगा फ्रैक्शनल पार्ट? 0.7. उसका फिर से फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे हम तो फिर से क्या आएगा? 0.7 ही आएगा. तो दिस इज ऑल्सो क्लियर. यहाँ पे देख लेते हैं, अगर आपके पास कोई नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो और उसका आप फ्रैक्शनल पार्ट निकालें, या किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आप निकालो, तो दोनों की वैल्यू जीरो होती है. कैसे मैम? देखो अगर 5 है, ठीक है, 5.7 है, तो 5.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना आएगा? 5 आएगा. और उसका अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट ले, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5, तो वो कितना होगा? 0, बिकॉज 5 इज अ प्योर इंटीजर. ओके, इसका तो वैल्यू 0 आएगा. ये देखते हैं अभी 5.7 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा? 0.7. ओके, और उसका अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ले तो 0.7, उसके एग्जैक्टली लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? 0. तो ये दोनों की वैल्यू क्या आती है? 0 आती है. और लास्ट का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस i इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x व्हेन इफ i इज अ इंटीजर. अगर आप किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकाल रहे हो और उसमें इंटीजर प्लस में हो तो वो इग्नोर कर देंगे हम. कैसे मैम? देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.3 प्लस 4, ये हम कैसे निकाल सकते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.3, ये सही है मैम? देख लेते हैं, ये दोनों वैल्यूज इक्वल आनी चाहिए. ये जो है ये क्या मिलेगा हमें? 4 प्लस 1.3 मीन्स 5.3, और इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा? 0.3. अभी ये देखते हैं 1.3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? 0.3 होगा कि नहीं? देखो दोनों सेम है. तो ये प्रॉपर्टी हमें बताती है कि किसी भी नंबर का आप अगर फ्रैक्शनल पार्ट निकालो और उसमें इंटीजर ऐड हो तो वो इंटीजर इग्नोर कर सकते हैं हम, डायरेक्टली उस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट भी हम लिख सकते हैं. सो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट्स आर आल्सो कंप्लीटेड. थैंक यू.